बाबूजी, सरकार की तरफ से चिट्ठी आई है। क्या लिखा है? सरकार आपको संस्कृत की सेवा के लिए आदर्श शिक्षक का पुरस्कार देना चाहती है, इसलिए ये फॉर्म भरकर भेजना है। सरकार आपकी पूरी जानकारी चाहती है। तो ठीक है, धन्यवाद की चिट्ठी भेज दो सरकार को और लिख दो कि मैंने संस्कृत की नहीं, संस्कृत ने मेरी सेवा की है। संस्कृत ने मुझ पर उपकार किया है, मैंने उस पर कोई उपकार नहीं किया है। सम्मान करना ही है तो उन विद्यार्थियों का करें जो दम तोड़ रही इस भाषा को अब भी विश्वास के साथ पढ़ रहे हैं। चिट्ठी लेकर ले आओ, मैं हस्ताक्षर कर दूंगा। वाओ, अमेजिंग! अरे, हम हिमालय से शिवजी का पता ढूंढ कर निकाल दें तो फिर बनारस में एक संस्कृत के अध्यापक का पता ढूंढना कौन सी बड़ी बात है? सांड, सीढ़ी और साधु, इनकी आदत डाल दीजिए बाबा साहब, इन पर आपको रोज चढ़ना पड़ेगा। हेलो, नमस्ते। ये आइए साहब, हिंदुस्तान में आपको दरवाजे हमेशा खुले ही मिलेंगे, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, गंगा के किनारे ही आपके रहने का बंदोबस्त भी मैं एकदम कर दूंगा। फूल गंगा व्यू, वेरी गुड वाला। यहाँ पे आपको मांस मच्छी खाने की परेशानी हो सकती है। अरे भाई, संस्कृत टीचर है ना? हाँ। लेकिन चिंता की बात नहीं, वहाँ पर मैं सब बंदोबस्त ठीक करूंगा। हाँ। जी कहिए। देखिए पंडित जी से कहिए, साहब मिलना चाहते हैं। रति शंकर जी आए हैं, उनके साथ एक स्टूडेंट भी आए हैं। बोलिए। कहिए। बाबा साहब देवानी संस्कृत पढ़ना चाहते हैं। मैंने इनसे कहा कि बनारस में संस्कृत पढ़ाने वालों की कोई कमी नहीं है, यहां वहां घूम रहे थे, आपको पूछ रहे थे, ना पता और ना ठिकाना, लेकिन मैंने आपको ढूंढ लिया। विदेश से आए हैं, 5-स्टार होटल में ठहरे हैं। 5,000 रुपए महीने में आपको दिलवा दूंगा, बाकी हम समझ लेंगे। मैं पैसे लेकर नहीं पढ़ाता। अच्छा, लेकिन ये मकान तो आपका काफी बड़ा है, एकाध कमरे में एसी लगवा देंगे तो अच्छा किराया मिल जाएगा। रही बात मांस और मच्छी की, तो वो हम देख लेंगे। हाँ, तुम कल मेरे पास आना अकेले। जी। आपको आपको हमारी बात ठीक नहीं लगी क्या? मुझे तो आप ही ठीक नहीं लगे। है? भारतीय दर्शन पर मेरी लिखी हुई किताबें तुमने पढ़ी हैं? जी गुरुजी, उन्हीं के सहारे तो आपको ढूंढते हुए यहां तक पहुंचा हूं। क्यों पढ़ना चाहते हो तुम भारतीय दर्शन? कंपैरेटिव फिलॉसफी में मेरी रुचि है, मैं भारतीय दर्शन के विकास की जड़ों तक पहुंचना चाहता हूं, शायद इसी बहाने अपने आप को जान सकूं। उपनिषदों के बारे में कुछ पढ़ा है? जी कुछ कुछ। देखो भाई, अगर भारतीय मानस को समझना है तो उपनिषद एक कंपलसरी सवाल है, ऑप्शन नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे परीक्षा में कुछ कंपलसरी सवाल होते हैं और कुछ ऑप्शनल सवाल है, और उसे सुलझाए बगैर आप पास नहीं हो सकते, समझ गए? दिस नॉलेज इज एसेंशियल बिकॉज इट डील्स विथ यू। यू मस्ट नो योरसेल्फ बिफोर नोइंग एनीथिंग एल्स। इज दैट क्लियर? जी गुरुजी।
उपनिषद का अर्थ तो तुम समझते ही होगे। गुरु चरणों में ज्ञान की अभिलाषा से बैठना ही उपनिषद है। बैठ सकोगे? जी गुरुजी। इस घर में रह सकोगे? जी गुरुजी। जो मैं खाऊंगा वही भिक्षा तुम्हें मिलेगी? जी गुरुदेव। एंड नो टेलीविजन, नो एंटरटेनमेंट? यस गुरुदेव। इसमें ना कोई डिग्री मिलेगी ना कोई सर्टिफिकेट मिलेगा तुम्हें। जानता हूं गुरुदेव। इस शिक्षा के बाद कोई नौकरी भी नहीं मिलेगी, कोई रोजगार भी नहीं मिलेगा। यह भी जानता हूं गुरुदेव। बहुत समय लग सकता है। प्लस देयर आर नो शॉर्टकट्स इन इट, नो क्रैश कोर्सेस। तैयार हो इसके लिए? मैं तैयार हूं गुरुदेव। तो ठीक है, आज से तुम मेरे अपने दूसरे बच्चों की तरह इस घर का हिस्सा बनकर रहोगे। राम जी। जी। आज से सत्य धर्म में ही रहेंगे। हाँ जी। इनका रहने का इंतजाम नरेंद्र भैया के कमरे में कर दो। नरेंद्र भैया के कमरे में? हाँ हाँ, तुमने ठीक ही सुना है, नरेंद्र भैया के कमरे में। नरेंद्र कहाँ है? वो कैसी रोशनी उठती है उधर उस खिड़की से। आह, वही पूरब है और जूलियट आफताब। हाय, कैसे गाल हथेली पर रखा है उसने। काश मैं उसके हाथों की मेहंदी होता और उसके गालों को चूम लेता। हाय मैं। वो बोली, ओ रोमियो रोमियो, तुम क्यों हो रोमियो? छोड़ दो अपना नाम, अपना खानदान, या फिर उठा लो कसम मेरे प्यार की और मैं कैपुलेट नहीं रहूंगी। बस तेरे नाम से दुश्मनी है हमारी। कुछ भी कह लो उसे, जिसे गुलाब कहते हैं खुशबू ही बिखेरेगा। जैसे रोमियो रोमियो न भी कहलाए, वैसे ही प्यारा पूरा रहेगा बिना अपने नाम के भी। तेरी बात की जबान दी। फ्लैट हो रहा है रोमियो, इमोशन डाल यार, प्रोजेक्ट योर वॉइस। क्या मुसीबत है, ये लाइट को भी अभी जाना था। उपनिषद स्वयं को पहचानने की यात्रा है, क्योंकि उपनिषद जो दिखाई दे रहा है उसकी बात नहीं करता, जो देख रहा है उसकी बात करता है। वो बाहर के जगत की नहीं, भीतर के जगत की बात करता है। इसलिए भीतर को जाने बगैर मनुष्य के दुख, भय, शोक और भ्रम का कोई अंत नहीं हो सकता। इसलिए उपनिषद मनुष्य के सत्य और सुख की खोज का उत्तर है। उपनिषद मनुष्य के द्वारा दुख से, भय से, बंधन से मुक्ति के लिए निरंतर किए जा रहे संघर्ष का उत्तर है। उपनिषद मनुष्य के भीतर उमड़ रही विडंबनाओं, विरोधाभास और जीवन में उठ रहे नित्य नए प्रश्नों का उत्तर है। इसलिए यदि स्वयं को समझना हो तो उपनिषद एक अनिवार्य प्रश्न बन जाता है, क्योंकि उसका संबंध तुमसे है। यू मस्ट नो योर सेल्फ बिफोर नोइंग एनीथिंग एल्स। But do you really know yourself? राम जी ने बताया कि आप मुझे पूछ रहे थे। हाँ, आजकल क्या चल रहा है? नाटक। नाटक ही चल रहा है कि कुछ नौकरी वोकरी की खोज भी हो रही है? बैलगाड़ी के युग की भाषा में पढ़े हुए ग्रेजुएट को बैलगाड़ी के युग में ही आसानी से काम मिल सकता है। मेरी कोशिश जारी है। बेटा, अपनी असफलता का दोष संस्कृत के सर पर मत मारो। मैं तो तुम्हारे भले की कह रहा हूं, बाकी तुम्हारी मर्जी। देखो, मैं तुम्हारा भला चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें संस्कृत पढ़ने के लिए कहा। उसको बैलगाड़ी युग की भाषा कहकर कम से कम उसका अपमान तो मत करो। मैं तो चाहता था कि तुम अपने हजारों वर्षों की धरोहर को समझ सको। धरोहर? किस धरोहर की बात कर रहे हैं आप? ये वेद, पुराण, उपनिषद, कोई रेलेवेंस नहीं आज उनका।
इस धरोहर के नाम पे गंगा के घाट पर लोगों को चंदन का तिलक लगाते, गंगा में डुबकी लगवाते, आप जैसे सैकड़ों लोग आज भीख मांग रहे हैं। नरेंद्र, होश में आओ। नरेंद्र, मेरे पिता ने मुझको जो कुछ दिया वो मैंने कर्तव्य समझकर तुम तक पहुंचाने की कोशिश की। शायद मैं गलत रहा हूं, लेकिन मुझे अपनी धरोहर पर गर्व है। हो सकता है तुम्हें वो स्वीकार ना हो सकता है तुम्हारे लिए उसका कोई रिलेवेंस ना हो। अब तुम बड़े जो हो गए, समझदार हो गए हो, तो क्या तुम्हारे अपने होने ना होने का कोई रिलेवेंस है? जो तुम कर रहे हो उसका रिलेवेंस क्या है पता है? तुम्हारा अपना स्वयं का क्या रिलेवेंस है तुम्हें पता है? अगर किसी दिन तुम्हें पता चल जाए तो मुझे जरूर पता देना। मैं घर छोड़कर नहीं जाने को कहूंगा तुम्हें, क्योंकि यह घर तुम्हारा है। मैं नाटक तुम्हें छोड़ने को नहीं कहूंगा, क्योंकि तुम नाटक को जीते हो बेटा। लेकिन किसी दिन अगर तुम्हें सबका रिलेवेंस पता चल जाए तो मुझे जरूर बता देना, समझे? मेरे पिता ने मुझको जो कुछ दिया वो मैंने कर्तव्य समझकर तुम तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन मुझे अपनी धरोहर पर गर्व है। हो सकता है तुम्हें वो स्वीकार ना हो सकता है तुम्हारे लिए उसका कोई रिलेवेंस ना हो। तुम्हारा अपना स्वयं का क्या रिलेवेंस है तुम्हें पता है? सब कब से तुम्हें ढूंढ रहे हैं और तुम यहां बैठे हो? अरे सब सांस रोके तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। याद तो है ना आज ग्रैंड रिहर्सल है? चले जाओगे? दिन बहुत दूर है अभी, ये रात की चिड़िया थी, भोर का पंक्षी नहीं जो यूं चीखी थी तुम्हारे खौफ भरे कानों में। पपीहा था भोर का पंछी, ये चकोर नहीं थी। वो देखो जान, दूर पूरब में दिन दबे पांव तैयार खड़ा है आने को। ये शहर का उजाला नहीं, ये तो कोई उल्का है जो सूरज ने भेजी थी कि तुम्हें रोशन कर रास्ता दिखाए मंतुआ का। इसलिए ठहरो, अभी जाने की जरूरत नहीं। मैं रहूं और ना रहूं, या ना रहूं और रहूं, चलो बात करते हैं। दिन अभी दूर है। नहीं, दिन है, दिन है। जाओ, फौरन चले जाओ दूर। उजाला और उजला होता जाता है, अंधेरा और अंधेरा हमारे गमों का। ये खिड़की, दिन को आने दो और जान जाने दो। विदा अलविदा, एक बोसा और मैं चला जाऊं। एक मिनट, मैनेजर साहब। जी जी नरेंद्र बाबू, बोलिए। अपने पास अभिज्ञान शाकुंतलम के कॉस्ट्यूम्स है ना? हैं तो सही, लेकिन वो सारे कलाकार अपने अपने रोल के हिसाब से अभिज्ञान शाकुंतलम के कॉस्ट्यूम्स पहन कर आए। क्या? क्या जी, और जल्दी। तो क्या ये नाटक नहीं होगा नरेंद्र? नाटक होगा, पर इस तरह नरेंद्र, तुम चाहते हो कि हम सब अपनी कॉस्ट्यूम्स बदल दें? जी। ये कैसे होगा? क्यों, क्यों नहीं होगा नरेंद्र? कॉस्ट्यूम बदल जाने से नाटक की आत्मा बदल जाएगी। क्या वस्त्र बदलने से आत्मा बदलती है? नरेंद्र, कॉस्ट्यूम बदलने से सब कुछ बदल जाएगा। हाव भाव, भाषा, एक्सप्रेशन, सोच, सब कुछ बदल जाएगा। अरे वस्त्रों के बदलने से सारी सभ्यता बदल जाएगी, नाटक बदल जाएगा पूरा। क्या कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम शेक्सपियर के काल में नहीं हो सकता? हो सकता है। तो फिर रोमियो जूलियट कालिदास के युग की भाषा में क्यों नहीं हो सकता? कपड़े बदलने से आत्मा नहीं बदलती। पर क्यों, क्यों बदलना चाहते हो तुम? क्योंकि तुम सब मुझे अपने से बहुत दूर दिखाई देते हो। मैनेजर साहब, आप मालिक हैं, अब आप ही समझाइए। देखो नरेंद्र, ऐसा करते हैं कि वो देखिए। मैनेजर साहब, मैंने फैसला कर लिया है और ये एक निर्देशक का फैसला है। मैं धोती नहीं पहनूंगा, और कौन देखेगा नाटक? यार रोमियो, बात धोती की नहीं है, बात नाटक की है, खुद में आत्मविश्वास की है। मैं तुम्हें नहीं, तुम्हारे कैरेक्टर को धोती पहना रहा हूँ यार। नरेंद्र, भाड़ में जाए कैरेक्टर, नहीं पहननी धोती मुझे। मैं आज का आदमी कोई आदिम युग का नहीं, और बैलगाड़ी हाँकने वालों की कॉस्ट्यूम मैं नहीं पहनूंगा। और नरेंद्र, फैसला अब तुम्हें करना है। फैसला मैंने कर लिया है, नाटक होगा और जैसे मैं चाहूंगा वैसे ही होगा।
चाहो तो तुम लोग निर्देशक बदल सकते हो। नरेंद्र, अरे नरेंद्र बाबू। ओम भागीरथे च विद्महे विष्णुपदे च धीमहि तन्नो गंगा प्रचोदयात्। प्रणाम शास्त्री जी। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। आज तो आपके चिरंजीव नरेंद्र के बारे में अखबार में खूब छपा है। अच्छा, क्या नई अफवाह छपी है उसके बारे में आज? क्या कह रहे हैं शास्त्री जी, कालिदास को जीवित कर दिया आपके पुत्र ने। शब्द शेक्सपियर के, आत्मा कालिदास की, गजब की प्रतिभा है आपके बेटे में। और क्यों ना हो, आत्मा तो आप ही की है। अच्छा, कौन सा अखबार दो शास्त्री जी? मैं अखबार देख के ले सकता हूँ क्या? आप जैसा ठीक समझे शास्त्री जी। एक ही खबर कितने बार पढ़ते रहिएगा? अखबार में और भी खबरें होती हैं। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे ही बेटे की खबर बार बार पढ़े जा रहा हूं मैं? उस दिन के अपने व्यवहार के लिए वो बहुत शर्मिंदा है। अब देखो, बार बार अपने बेटे की तुम पैरवी मत करो, मैं उसे तुमसे कहीं बेहतर जानता हूँ। अच्छा अच्छा, अब आप ऊपर कुछ पहन लीजिए, आपसे कुछ लोग मिलने आने वाले हैं। क्या आफत है? आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। तुम अभी खुश नहीं हो नरेंद्र? अरे बनारस के सबसे खूंसट क्रिटिक तक ने तुम्हारी तारीफ कर दी, और क्या चाहिए यार? वो खूंसट क्रिटिक मेरा बाप नहीं है। मतलब? नए नाटक की तैयारी शुरू करें। मतलब? शास्त्री जी, हमारी संस्था चाहती है कि आप उपनिषदों और उनकी प्रासंगिकता पर सिलसिलेवार अपनी राय रखें। श्रोता मिलेंगे आपको? शनिवार की रात को 50-60 लोग जमा हो जाएंगे। छोटी सी बैठक समझिए, चौपाल सा माहौल होगा। मैं इसकी दक्षिणा लूंगा, और आप हर बार श्रोताओं को इस बात की सूचना देते रहेंगे ताकि वो मुझे ध्यान से सुने। अगर नहीं सुनेंगे तो नुकसान उनका ही है। आपको मेरी ये शर्त मंजूर है? आप भी अच्छा मजाक करते हैं शास्त्री जी, हमने दक्षिणा के लिए कब मना किया है? तो ठीक है, आप तारीख तय करके मुझे बता दीजिए, मैं तैयार हूं। मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं। क्या यानी दास्ताने लैला मजनू नहीं होगा? नहीं। फिर हम क्या करेंगे? द ग्रेट इंडियन थिएटर, जो कल था, आज भी है और कल भी रहेगा। पहेलियां मत बुझाओ, सीधे सीधे बताओ। किस्सा है उपनिषद। यह कौन सा किस्सा है? हजारों सालों से चली आ रही तुम्हारी और मेरी कहानी। रंगमंच वही, सवाल वही, किरदार वही, सिर्फ किरदारों के नाम और रूप बदल रहे हैं। यानी फिर से पुराने किस्से? उतने ही पुराने जितने पुराने हमारे सवाल हैं, या शायद उतने ही नए जितने नए हमारे ख्वाब हैं। यार तुम बार बार पुराने किस्से क्यों दोहराना चाहते हो? थक गए हैं यार। क्या सच कभी पुराना होता है? जियो मेरे राजा बनारस। नरेंद्र, कहानी क्या है? मकसद कहानियां नहीं, कॉन्सेप्ट है। कहानी कुछ भी हो सकती है, नई पुरानी, बात उपनिषदिक कॉन्सेप्ट की है। पर उसे देखेगा कौन? वही जो अपने हर सवाल का जवाब बाहर की दुनिया में देखता है, कभी दूरबीन से, कभी खुर्दबीन माइक्रोस्कोप से, जो ये समझता है कि उसकी हर समस्या का कारण कोई और है। मैं उसे उसकी भीतर की दुनिया में ले जाना चाहता हूँ, उतनी ही रहस्यमयी और रोमांचक जितने हमारे सितारों की दुनिया है। तो कहो, क्या अपने पुराने बूढ़े दादा परदादाओं से आंख मिलाने के लिए आप तैयार हैं? नरेंद्र और उसके पिता गौरी शंकर अपनी अपनी प्रस्तुतियों के लिए तैयार हो रहे हैं।
शिव हो, प्रभु हो, पर मारे जाओगे किसी पशु की तरह। अपने अपने सुख अपने अपने दुख का रचयिता कौन, देखिए अगले प्रकरण में। स्वरूप भूयात् प्रसन्नः स शिवस्वरूप।